प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सेशन गृह विज्ञान की बालिकाओं के लिए। देखिए, यूपी बोर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिशंस, गृह विज्ञान के लिए आप छात्र हैं, यूपी बोर्ड में आप बैठने वाले एडिशंस, तो ये सेशन आपका है। क्लास ट्वेल्थ का देखिए गृह विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला एडिशंस, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उनको भी देख लीजिएगा। और एडिशंस चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का, संतुलित आहार का क्या अर्थ है। देखिए संतुलित आहार, एडिशन देखिए ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस्ड डाइट के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं, क्या होता है। देखिए संतुलित आहार देखिए एडिशन, तो एक ऐसा आहार होता है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा अनुपात में जो होते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। देखिए जो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यकता की चीज़ें हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गया, खनिज हो गया, विटामिन्स हो गया, जो भी पोषक तत्व हमें चाहिए, तो वो पूरे के पूरे ऐसा आहार जिससे पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं वो पूरा हो जाएं, उसे ही हम लोग कहते हैं संतुलित आहार। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए संतुलित आहार क्या होता है, आपकी पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर आज के समय में क्या है, खाने के लिए लोग जी रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि जीने के लिए खाना चाहिए। जीने के लिए खाने का मतलब हो गया संतुलित आहार की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। लेकिन आज के समय में क्या, खाने के लिए जीने का मतलब है पिज्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, ये चाउमीन चाहिए, ये चीज़ें वो चीज़ें, ऐसे तमाम चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो संतुलित आहार का मतलब होता है कि एक ऐसा आहार जिसमें जितने भी आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं वो सभी हमें उस भोजन से मिल जाए, उससे ही हम लोग कहते हैं संतुलित आहार। चलिए आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा आप लोगों का इंपॉर्टेंट में, देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, और गृह विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन चल रहा है। जब दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दूसरा हम लोग का देखिए प्रश्न है इसमें, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। देखिए डिस्टेंस अगर हीमोग्लोबिन के बारे में बात किया जाए तो देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है डिस्टेंस, हीमोग्लोबिन देखिए ब्लड को लाल यानी आरबीसी के लिए, रेड ब्लड सेल के लिए देखा जाए तो मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन ही जिम्मेदार होता है। जब इसमें लोग आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक ले जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक ले जाने का काम करता है, इसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऊतकों से देखिए तो उसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को जो होता है फेफड़ों में वापस पहुँचाता है, इसे हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। देखिए यही जो होता है हीमोग्लोबिन का सबसे मुख्य कार्य होता है, ठीक है ना, यही मुख्य कार्य होता है, यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के जो भी टिश्यूज हैं, सेल हैं, वहाँ तक पहुँचाना, और उन टिश्यूज या सेल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जो है फेफड़ों के पास पहुँचाना, ठीक, ये जो काम होता है वो किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है डिस्टेंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। हीमोग्लोबिन ही लाल रक्त कोशिकाओं का वह भाग जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है डिस्टेंस, तो लाल रक्त कोशिकाओं को लाल होने के लिए भी जो है हीमोग्लोबिन ही उत्तरदायी होता है, और इसी में जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन होता है तो वही ऑक्सीजन क्या काम करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और साथ ही साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ले जाने का काम ऑक्सी हीमोग्लोबिन और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्नों के श्रृंखला में, डिस्कशन हम लोग का प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। देखिए शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। देखिए डिस्कशन यहाँ पर बात हो रही है आप सभी लोगों के साथ शिशु मृत्यु दर की। देखिए शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रति एक हज़ार जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, यानी शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है, प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से एक वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या का जो अनुपात होता है डिस्टेंस, उसी को हम लोग कहते हैं शिशु मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है ना। फिर से ध्यान सुनिए, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, प्रति 1000 जीवित जन्मे जो शिशु होते हैं उनमें से अगर एक वर्ष या इससे कम उम्र में जो भी शिशु मर गए शिशुओं की संख्या होती है, तो ये जो अनुपात होता है डिस्टेंस, उसी को हम लोग कहते हैं शिशु मृत्यु दर। देखिए परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो दुनिया भर में शिशु मृत्यु का सबसे आम कारण जो होता है वो दस्त से हुआ निर्जलीकरण होता है। देखिए डिस्टेंस दस्त जो होता है उल्टी, लैटरिन बाथरूम जो होता है मुख्य रूप से अगर बात किया जाए उल्टी और दस्त, ये दोनों चीज़ें बड़ी खतरनाक होती हैं, ठीक है ना। अगर एक दिन आपको केवल उल्टी ही हो जाए या किसी दिन केवल आपको केवल लैटरिन हो जाए
तो ये दोनों बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। देखेंगे आपके शरीर का जो निर्जलीकरण हो जाता है, मतलब जल शरीर में से निकल जाता है। देखिए इसलिए ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको तुरंत पहला काम क्या करता है, डॉक्टर पहले प्राथमिकता देता है कि भैया पहले तो इनको पानी चढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में, अब चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए ट्यूशंस, आप लोगों को जो है ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन भी मैंने आप लोग के लिए कर रखा है होम साइंस का, उसे देख लीजिएगा। और गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग को नियमित तौर पर मिलती रहेगी इस चैनल पर। लेकिन आप लोग को एक काम करना, इसे पूरे फैला दीजिए ज़बरदस्त तरीके से अपने पूरे क्लासमेट में, ताकि मैं एक से एक कंटेंट आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध करा सकूँ। राष्ट्रीय आपदा से आप क्या समझते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय आपदा, एक आपदा की दुर्लभ गंभीरता को राष्ट्रीय आपदा तब कहा जाता है जब यह राज्य की एक तिहाई आबादी को प्रभावित करती है। क्या करती है, एक तिहाई आबादी को यदि वो प्रभावित कर देती है तो उस दुर्बल गंभीरता को हम लोग राष्ट्रीय आपदा नाम दे देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने देखा भी है बहुत ही बेहतर तरीके से उस आपबीती को, जैसे कोरोना आया हुआ था, कोरोना वायरस, ठीक है ना। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय, आप राष्ट्रीय की बात मत करिए, वो अंतर्राष्ट्रीय आपदा के रूप में हो गया था, ठीक है ना। बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रभावित किया था सभी लोगों को ना। गौरतलब है कि देखिए उत्तराखंड चक्रवात हुए हुद फ्लैश बाढ़ को देखा जाए तो बाढ़ को बाद में गंभीर प्रकृति की आपदाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, कभी कभी चीज़ें होती हैं तो बाद में क्लासिफिकेशन होता है या तो बाद में जो होता है उस पर कार्य किया जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। देखिए पाँचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, शिशु का भार क्यों ज्ञात करते रहना चाहिए। देखिए ट्यूशन, जो छोटा बच्चा होता है, शिशु जो होता है, तो उसका वजन कराना क्यों ज़रूरी होता है या वज़न उसका किया क्यों जाता है, क्या ज़रूरत है उसकी। तो देखिए ट्यूशन, शिशु की आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उसकी शारीरिक वृद्धि भी तीव्र गति से बढ़ती है, ठीक है ना। आयु बढ़ने के साथ क्या होता है, उसका शारीरिक वृद्धि भी क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है या ग्रोथ होता है। इस वृद्धि के कारण क्या होता है ट्यूशन, की उसकी भूख भी बढ़ती है। ऐसी बात है, स्वाभाविक है कि जब वो एक्टिविटी बढ़ेगी तो भाई जैसी बात है भूख बढ़ेगा ही, उसको सामने वाले को भूख लगेगी ही, जिससे क्या होता है डिस्टेंस, उसे अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। क्या होता है, उसे अधिक पोषण का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, शिशु का भार जो होता है वो ज्ञात करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे एक बैलेंस्ड डाइट या कितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कितना हमें इन्हें, कितने कैलोरी इस बच्चे को भोजन की आवश्यकता है या कितना देना चाहिए, या उसी प्रकार से आहार का जो डिसीजन लिया जाता है वो करने में सहायक सिद्ध होता है, ठीक है ट्यूशंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्नों की श्रृंखला थी आप सभी लोगों के लिए, गृह विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था ट्यूशंस। देखिए संतुलित आहार वाला जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्यूशंस, इसको तो छोड़ना ही नहीं है आप सभी लोगों को, ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर लीजिएगा और तैयार रहिएगा आप सभी लोगों को जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला भी तैयार हो गई है। देखिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए ना, ये भी है पूरा का पूरा जो बहुविकल्पी का सेशन कराया जाएगा जल्दी, तो उसके लिए तैयार रहिएगा डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा।